इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे गुआना टिटन ब्लास्ट के दोस्तों आज के मैच नंबर 2 के बारे में जो आपका खेला जा रहा है ईएसए और बीआरबीसी टीम के बीच में। ये मैच जो मैच है ना दोस्तों ध्यान रखिएगा रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा। अब देखो दोस्तों दोनों टीम कल के दिन खेली जरूर थी बट मैच बारिश की वजह से दोस्तों हुआ नहीं था, तो फ्रेश मैच ही रहेगा दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दोनों टीमों के सभी प्लेयर का स्टैट्स को ध्यान में रख के एक बेस्ट टीम रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया है कि आपको बेस्ट 11 प्लेयर प्रोवाइड करूं अपने स्टैट जो मैंने स्टैट्स दिया है उसके आधार पे, और उसमें कोई चेंज करना हो तो आप लोग भी दोस्तों उसमें आप कर सकते हो, लेकिन खुद से नहीं करना है। जो मैंने स्टैट्स दिया है, जो मैंने प्लेयर का रिकॉर्ड बताया, बस उसी को ध्यान में रख के मैंने ऑप्शन भी दे दिया है, यदि कोई एक्स्ट्रा प्लेयर को आप ट्राई करना चाहते हो तो आप किसको कर सकते हो। मेरा फाइनल टीम दोस्तों जरूर सेव कर लीजिएगा, यदि उस टीम में सभी प्लेयर खेले तो कोई चेंज भी नहीं कीजिएगा तो चलेगा। हाँ, यदि दोस्तों कोई प्लेयर उस टीम से नहीं खेलता है, मान के चलो 11 में 9 प्लेयर खेल रहे हैं, 2 प्लेयर नहीं खेल रहे, तो कोई नहीं, मैं फिर से आपको वो जो 2 प्लेयर है ना मैं एक बार फिर से फाइनल टीम अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जितने भी न्यू मेंबर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक ना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी देखिएगा तो वहां पर भी टॉप में फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो का इजिली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं ईएसजी और बीआरबीसी के मैच में क्या कम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो दोस्तों इस मैच के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों के सेबोर का, जो बैटिंग ऑर्डर इनका दोस्तों मेनली 4 नंबर पर होना चाहिए इस मैच में। लास्ट मैच में देखो प्लेइंग 11 में नाम जरूर था बट दोनों टीमों का जो लास्ट मैच था ना वो बारिश की वजह से ध्यान रखिएगा कैंसिल हो गया था, बोले तो रद्द हो गया था, तो इसलिए आपको इनका कोई रीसेंट मैचों का परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ओटीटी में दोस्तों 4 मैच खेल के आ रहे हैं और वहाँ पे 4 मैच में बैटिंग से 62 रन का स्कोर किए, ठीक ठाक प्लेयर है, टीम में आप लेके चल सकते हो, क्योंकि ये जो प्लेयर है ना एस बी देखो इनका बैटिंग पोजीशन इनसे तो नीचे रहना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर इनका मेरे को 2 मैच का रिकॉर्ड मिला है और दोनों मैच में दोस्तों इन्होंने जो बैटिंग किया था 6 नंबर पर करने आए थे और 2 मैच में बैटिंग से 222 रन का स्कोर किए थे, तो इसी रीजन की वजह से मैं इनको लेके चल रहा हूँ। सलेक्शन हाई है इसलिए नहीं, क्योंकि ये पहले बैटिंग करने आएंगे और रिकॉर्ड भी इनका ज़्यादा बेटर है इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में जब आइएगा के एंडरसन ओपन बैटिंग करने चाहिए, 3 मैच खेले T20 में जहाँ पे बैटिंग से 53 रन स्कोर करके आ रहे हैं। नीचे सी एमरेज का ऑप्शन मिलेगा, ये तो 100% ओपन करेगा दोस्तों, T20 में 46 मैच खेले जहाँ पे बैटिंग से ऑलरेडी 900 रन स्कोर भी कर चुके हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं, 46 मैच में 11 विकेट जरूर है लेकिन 46 मैच में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इन्होंने 22 मैच में ही बॉलिंग किया है। नीचे आइएगा दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिलेगा एम दयाल का, इनका रिकॉर्ड देख ले तो ओडीडी में 6 मैच खेले जहां पे बैटिंग से 60 रन का स्कोर किए हैं। नीचे आपको एस बेरिंगटन का ऑप्शन मिलेगा, अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिनको आपको टीम में लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, T20 में 7 मैच खेल चुके हैं जहां पे बैटिंग से 231 रन का स्कोर किए हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ए अलगो का, T20 में 206 मैच खेल के आ रहे हैं जहाँ पे बैटिंग से 86 रन स्कोर किए हैं और 6 मैच में 1 विकेट लिए हैं टोटल 203 ओवर का बॉलिंग करके। नीचे दोस्तों एन परस्यूट लास्ट मैच में नाम नहीं था दोस्तों प्लेइंग 11 में, लास्ट मैच में दोस्तों एस टेंडल का नाम था प्लेइंग 11 में बट बैटिंग पोजीशन इनका बहुत ज़्यादा नीचे दिखा रहा था, ऐसे डोमेस्टिक लेवल पे इन्होंने ओपन भी किया है और ओपन के साथ साथ डोमेस्टिक लेवल पे ये 5 नंबर पे भी बैटिंग करने आए, 2 पोजीशन दोस्तों इनका होता है। रिकॉर्ड दोस्तों बात कर ले तो इनका मेरे को 6 मैच का रिकॉर्ड मिला था जहाँ पे बैटिंग से 111 रन स्कोर किए थे, ओपन बैटिंग मुझे नहीं लगता है करेंगे दोस्तों, 5 नंबर पे करने आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह पाएंगे। एलिम का दोस्तों रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जब आइएगा ऑलराउंडर सेक्शन में के सेंसर अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर जो आपको कंफर्म 2 ओवर का बॉलिंग करके देंगे और हो सके तो बैटिंग से भी 15-20 रन स्कोर कर ले, मेन काम इनका बॉलिंग से रहेगा, 15 मैच खेल चुके T20 में जहां पे 200 बॉलिंग से 12 विकेट लिए हैं टोटल 43 ओवर का बॉलिंग करके। नीचे आपको ए नीट का ऑप्शन मिलेगा, ए नीट भी दोस्तों मेनली बॉलिंग के लिए ही जाने जाते हैं, T20 में 10 मैच खेल के आ रहे हैं जहाँ पे बॉलिंग से 8 विकेट और टोटल इन्होंने 34 ओवर का बॉलिंग किया है। नीचे आपको एन स्मिथ का ऑप्शन मिल जाएगा जो दोस्तों ओडीडी में
टोटल 15 मैच खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे बॉलिंग से 19 विकेट लिए हैं टोटल 290 ओवर का बॉलिंग करके। एन स्मिथ एक इंपॉर्टेंट बॉलर है जो कंफर्म पूरा बॉलिंग करके देगा। डी लॉर्ड बहुत बेहतरीन 200 ऑलराउंडर प्लेयर है, कैप्टन बीसी भी आप ट्राई कर सकते हो। T20 में 10 मैच खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे बैटिंग से 166 रन और बॉलिंग से 200 आपको 16 विकेट लिए हैं। निजी आपको आर एडम्स का ऑप्शन मिलेगा, आर एडम्स को भी 200 आप लेके जा सकते हो। ODD खेल के आ रहे हैं, ODD में 207 मैच खेले, जहाँ पे बैटिंग से 54 रन स्कोर किए हैं और 7 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं। कंप्लीट 200 इन्होंने 32 ओवर का बॉलिंग किया है। देखते हैं इनका बैटिंग पोजीशन 200 क्या रहता है, उसके आधार पे 200 इनको हम लोग रोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे से और कोई 200 खास ऑप्शन नहीं है। आइएगा 200 बॉलिंग सेक्शन में, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा JL फ्लूर का, बहुत अच्छा 200 ऑलराउंडर प्लेयर है। ध्यान रखना ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करने आएगा। कल का जो मैच हुआ था, देखो मैच तो नहीं हुआ था लेकिन बैटिंग पोजीशन जो आया था उसमें इनका नाम फर्स्ट राउंड दिखा रहा था। डैट मीन्स कोई भी ओपनर आउट होगा ये आपको बैटिंग करने आ जाएंगे। रिकॉर्ड का बात करें तो 4 मैच खेले हैं T20 में, जहाँ पे बैटिंग से 217 रन स्कोर किए हैं और 4 मैच में 200 बॉलिंग से 1 विकेट लिए हैं 4 ओवर का बॉलिंग करके। नीचे आपको 200 बी बार्ली का ऑप्शन मिलेगा, अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर जिनको आपको टीम में लेना चाहिए। T20 में 208 मैच खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे बैटिंग से 63 रन स्कोर किए हैं और 8 मैच में 200 बॉलिंग से 15 विकेट लिए हैं 26 ओवर का बॉलिंग करके। नीचे आएगा 200 एस क्लास लो, बहुत खास रिकॉर्ड तो नहीं है। T20 में 3 मैच खेले, जहाँ पे बैटिंग से 61 रन स्कोर किए हैं। नीचे आपको 200 आर डोरिन का ऑप्शन मिलेगा, कल का जो मैच हुआ था उसमें 200 इस प्लेयर का नाम ना प्लेइंग 11 में नहीं था, बट आने वाले 200 जब भी आपको ये प्लेइंग 11 में दिखे ध्यान रखना कैप्टन वीसी के लिए भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है, ODD में 200 कंप्लीट इन्होंने 9 मैच खेले हैं और उस 9 मैच में बैटिंग से 410 रन स्कोर किए हैं और 9 मैच में 200 बॉलिंग से आपको 12 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फोकस रखिएगा, आर डोरिन बहुत अच्छा प्लेयर है। नीचे ए परसूट का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। डी कैमरून 200 लास्ट मैच खेले नहीं थे। हाँ, नीचे से एक और नाम है 200, एल रोज 200 एक विकेट टेकर बॉलर है। ODD में 200 ये 4 मैच खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे बैटिंग से 38 रन और 4 मैच में बॉलिंग से 9 विकेट लिए हैं 42 ओवर का बॉलिंग करके। तो रोज को लेना हो ना तो मैं बताता हूँ, देखो यदि ए एडम्स का 200 टॉप ऑर्डर में नाम नहीं ना होता है तो मैं इनको तुरंत हटाऊंगा टीम से और इनके जगह रोज को टीम में ले लूंगा। सिंपल सा रोटेशन ये हम लोग कर लेंगे। चलो मैं अभी रोज को ही ले लेता हूँ क्योंकि लास्ट मैच में इनका प्लेइंग 11 में नाम था और आर एडम्स का प्लेइंग 11 में नाम नहीं था। फोकस थोड़ा इन पे भी रखिएगा, आर डोरिन बाई चांस भी प्लेइंग 11 में नाम रहे तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बात कर ले 200 इस मैच में कैप्टन बीसी किसको करना है, तो कैप्टन बीसी के लिए देखो 200 CM राज आप कैप्टन कर लो, बीसी 200 आप के सेंसर को कर लो, लेकिन ये दो ऑप्शन ही 200 सिर्फ नहीं है और भी ऑप्शन है। और ऑप्शन में 200 डी लोड एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है, इनको आप ट्राई कर सकते हो। नीचे से 200 जेफ ल्यूफ्यू को भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे और एक ओवर का बॉलिंग भी करके देंगे, ये भी एक 200 बहुत अच्छे ऑप्शन में से एक है। विलिंगटन पे 200 आप ग्रैंडलिंग में रिक्स ले सकते हो, फर्स्ट राउंड बैटिंग करेंगे, अच्छा 200 इनका परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट मैचों में। अभी के लिए आप सभी दोस्त इस टीम को सेव कर लीजिए, बट टर्स को ध्यान में रखते हुए और बैटिंग पोजीशन को ध्यान में रखते हुए इस टीम में मेरे को कोई भी चेंजेस करना होगा तो एक बार मैं फिर से फाइनल कम्बिनेशन आपको अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। हाँ, जिन भाइयों ने नई टेलीग्राम को ज्वाइन किया है ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ 200 कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए 200 टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना 200, जिन भाइयों ने नई ज्वाइन किया है कर लीजिएगा 200। और साथ ही साथ 200 यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो 200 YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद 200 सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे 200 आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना 200। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर 200 एंड बाय।